volatile over after 10 p.m. on Tuesday. Strong tremors were felt in the northwestern region of India, including the national capital, after a strong earthquake in Afghanistan. Now, as per the National Center for Seismology, the epicenter of the earthquake was somewhere in the Hindu Kush mountain range in Afghanistan, about 90 kilometers from Kalafgan, and the tremors were felt in almost 9 countries, including India, and the magnitude of the earthquake at the epicenter was 6.6. Now, as far as the loss of life is concerned, it was reported in Afghanistan, but there were reports of minor damage to the property as well. So here is what some of those who witnessed the earthquake had to say moments after the tremors were felt here. गाड़ी थोड़ी सी कांपी थी हमारी, उसके बाद हमने गाड़ी खड़ी कर दी और साइड में खड़े हो गए खुले में। पहले भी कई बार आए हैं, हमने अपना आराम से देखा कि खुले जितना भी हो सके ना, घर बाहर को छोड़ के खुले में आ जाओ, उतना अच्छा होता है। झटके है या कुछ भूकंप आया है, और ऊपर से जो पंखा भी जो है ना, बहुत हिलने लग गया और मैं सीधा भागा, तो तकरीबन वो लंबा भी चला। एक तो ठीक है, तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला और अपना ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। मैं इस काउंटर पे बैठी हुई थी और काफी ज्यादा फील हो रहा, मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज है, शायद कुछ ट्रेन निकल रहा है क्या है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन काफी देर तक फील हुआ, तो मैंने उठ के देखा, तब तक सब लोग बाहर भाग रहे थे। सभी लोग डर के अभी भाग के नीचे आए हैं। काफी तेज भूकंप का झटका हर फ्लोर पे लोगों ने महसूस किया है, और इसीलिए सारे लोग नीचे में इकट्ठा हो गए। एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई, मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर ले अपने मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पर, तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में, अप्रोक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 minutes। बहुत जबरदस्त झटके आए थे, अभी पंखे रजब होते कम से कम 10-15 मिनट से लग गए इनको घूमते घूमते, भी काफी भूकंप के झटके आए तेज तेज। आप क्या कर रहे थे? भाई घर से बाहर आ गए, घर में थे भाई 2-3 सेकंड के लिए तो था। कितनी जोरदार झटके थे? काफी जोरदार था, सबको महसूस हुआ। कश्मीर में अभी 10:25 पे भूचाल आ गया है, और लोग सारे लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, लोग बहुत सहम, और पहले थोड़ा सा हल्का सा झटका महसूस हो गया लोगों को, उसके बाद जब लोग बाहर आए घर के, तो दूसरा झटका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था,